दोस्तों जैसे प्रॉमिस किया था कि जो टैंक लीकेज हो गया था वो टैंक रिपेयर करके एक नया वीडियो आप लोगों को दूंगा कि वो टैंक नया लुक्स में कैसा लग रहा है, और जो फिश हम लोगों ने शिफ्ट किया था फिर वो फिश को हम लोग जो नया टैंक अभी बना है, मतलब पुराना को रिपेयर करके जो नया लुक्स में उसमें वो फिश डालने के बाद वो कैसा लग रहा है और कैसे डाला जा रहा है वो पूरा इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। और उसके साथ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका फिल्ट्रेशन सिस्टम में हम लोगों ने थोड़ा चेंजेस किया है, वो एक सीखने वाला लर्निंग पार्ट है, वो देखिएगा। और उसके साथ वो टैंक के पीछे हम लोगों ने ब्लू विनाइल लगाया है, तो वो विनाइल को कैसे लगाया जाता है, बहुत सारे कस्टमर चाहते हैं कि हम लोग भी लगाए तो हम लोग क्या घर में लगा सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए, ट्राई कीजिए, शायद आप कर पाएंगे, तो वो भी इस वीडियो में आप लोगों के लिए बड़ा लर्निंग है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, डेफिनेटली इस वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों ये जो लीकेज टैंक था इसको अभी हम लोग नीचे उतारेंगे, नीचे थर्मोकॉल बिछाया हुआ है, हम लोग इसको नीचे आस्ते आस्ते संभाल के कम ये पोजीशन में तो 7 से 8 साल है, टैंक तो पुराना है जैसा मैंने बोला था 14-15 साल पुराना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कम से कम 7-8 साल से रखे हुए, इसलिए थोड़ा जो थर्मोकॉल के साथ ये एकदम अटैच्ड हो गया है, तो ये नीचे थर्मोकॉल लगा दिया उसके ऊपर अभी रख दिया। और अभी आपको दिखाएंगे कि कहाँ से एक्चुअली लीकेज हो रहा था, कहाँ से गम खुल गया था, ये देखिए ये पार्ट से, ये देखिए पूरा लीकेज हो गया था, ये पार्ट पूरा रिपेयर होगा और उसके साथ हम लोग फिर से एक बार पूरा एक्वेरियम को रीगमिंग करेंगे। और ये आ गया है हमारा टीम, जैसा हम लोग एक्वेरियम डेकोरेशन का काम करते हैं, नया एक्वेरियम भी बनाते हैं, तो अपना खुद का ये टीम है जो हम लोग काम करते हैं, तो वही सब लोग आए हैं जो टैंक को रिपेयर करेगा। पहला है कि पूरा जो पुराना गम लगा हुआ था वो एकदम रबर बैंड के जैसा हो गया है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो पहले उसको हम लोग एकदम निकाल देंगे पूरा, ये देखिए ये नाइफ से पूरा चाँच चाँच के एकदम पूरा निकाल दे रहा है, पूरा जितना भी गमिंग है पूरा निकाला जाएगा, ये देखिए पूरा रबर बैंड जैसा हो गया है। इसको पूरा निकाल के पूरा टैंक से जहाँ जहाँ पे लग रहा है वो निकाल के वहाँ पे रीपेस्टिंग होगा नया गम से। और ये पूरा इसको खोला जा रहा है, ये देखिए जहाँ से लीकेज हुआ था वो पार्ट को, एक्वेरियम के वो साइड को, ये 4x2x2 है, तो इसको खोल दिया पूरा। अभी देखिए इसको साफ करके पूरा फिर यहाँ पे गमिंग किया जाएगा। ये देखिए पूरा एक्वेरियम को हम लोग पहले ये निकाल दिया पूरा, जहाँ जहाँ पे ओल्ड गमिंग किया हुआ था वहाँ से सब कुछ निकाल दिया, ये देखिए पूरा साफ कर दिया। अभी पूरा टैंक को चारों तरफ हम लोग फिर से रीगमिंग करेंगे, जहाँ से लीकेज हुआ वो कांच को तो खोल के हम लोग निकाल ही लिया वहाँ पे तो करेंगे, लेकिन हम लोग फिर से एक बार पूरा टैंक में थ्रू आउट द टैंक हम लोग गमिंग कर दे रहे हैं। इसके लिए कर रहे हैं कि क्योंकि पुराना एक्वेरियम है, आज ये साइड से खुल गया है शायद दूसरे दिन वो साइड से खुल जाए, और ये वो पार्ट उसको भी एकदम अच्छे तरीके से थोड़ा साफ सुथरा कर रहे हैं, क्योंकि वो हम लोग बाहर निकाल दिया पूरा खोल के, तो इसको अच्छे तरीके से इसको तो फिक्सअप करेंगे ही, ये जैसा काम चल रहा है अभी अलग अलग साइड में जहाँ से भी गमिंग खुल सकता है। तो अभी ये एक बार हो गया तो अभी फिर 8-10 साल का टेंशन एकदम ख़त्म, एकदम वो पोर्शन जहाँ से कांच खुला है अभी वो पोर्शन में हम लोग वो कांच फिर से लगा देंगे। देखिए एकदम अच्छे तरीके से हम लोग वहाँ पे गम का पेस्टिंग करके फिर वो कांच हम लोग चिपका देंगे, ये एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, देखिए एकदम पकड़ पकड़ के, कोई हड़बड़ी नहीं। और सबसे बड़ा बात है, बहुत एक्वेरियम में ऐसा होता है कि हड़बड़ी करने के कारण क्या है, गमिंग बाहर निकल जाता है, फिनिशिंग बढ़िया नहीं आता है, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से देख लीजिए और सीख लीजिए थोड़ा कैसे काम करता है। तो कभी भी आपका भी घर में कभी एक्वेरियम ऐसा रिपेयर का काम हुआ तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे क्या करना पड़ता है, कैसा काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आपको भी एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। ये पेस्टिंग हो गया है, उसको एकदम चिटका दिया है, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं बाहर से एक बार फिर से गमिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, कि लीकेज का कोई चांस ना रहे। जनरली हम लोग जब एक्वेरियम बनाते हैं दूसरे क्लाइंट के वहाँ भी जाके जब हम लोग का टीम काम करता है
तो 99% टाइम लीकेज का कोई चांसेस नहीं रहता है, फिर भी हम लोग सबको बोलते हैं आप वाटर दे के एक दो दिन चेक कर लीजिए, उसका बाद फिर फ्रेश वाटर दे के फिर फिश छोड़िए। और ये बढ़िया तरीके से एकदम फिनिशिंग करके, और ये ब्राउन टेप चिटका दिया है क्योंकि अभी कच्चा है ना, तो थोड़ा ब्राउन टेप रहेगा तो वो थोड़ा सपोर्ट रहेगा। ये हो गया दोस्तों पहला दिन, ये एक्वेरियम का काम ख़त्म। अब दूसरा दिन में क्या होगा, अब इसको पानी देके हम लोग लगभग चेक कर चुके हैं, अब इसको थोड़ा सफाई करेंगे। ये स्पॉन्ज है, नॉर्मल स्पॉन्ज, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कोई केमिकल यूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, गलती से भी कोई केमिकल यूज़ नहीं करिएगा, नॉर्मल पानी से एकदम स्मॉल स्पॉन्ज से आप जस्ट इसको रब कर दीजिएगा। और इसको हम लोग अभी पलट दे रहे हैं, ये टैंक को पूरा पलट देंगे, क्यों, क्योंकि इसका पीछे हम लोग विनाइल लगाएंगे। यस दोस्तों, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा लर्निंग है, ये देखिए ये हार्डवेयर के दुकान में ये स्टिक मिल जाएगा, ये घर का पानी कचरा निकालने के काम आता है, ये हार्डवेयर के दुकान में मिलेगा, ये विनाइल और ये शैम्पू। ये शैम्पू का 2 पाउच हम लोगों ने लिया है, कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकता है, ऐसा कोई नहीं कि स्पेशली कोई शैम्पू का ब्रांड लगेगा। और देखिए कैसे हम लोग शैम्पू डालने के बाद हाथ से इसको रब कर रहे हैं, पूरा देखिएगा हाथ से रब कर करके पूरा एकदम जैसा थोड़ा झाँक रेडी हो जाए इसके लिए कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये विनाइल में ना गमिंग रहता है, तो डायरेक्ट अगर हम लोग चिटकाएंगे और गम पकड़ लिया कहीं पे अगर हवा रह गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, ख़राब दिखेगा। और ये रहा ना ये शैम्पू रहा तो ये एकदम विनाइल तुरंत चिटकेगा नहीं, और हम लोग आराम से जहाँ जहाँ हवा पकड़ेगा वहाँ निकाल पाएंगे, और फिर जब ये शैम्पू सूख जाएगा, पानी सूख जाएगा, ये आराम से एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन हो जाएगा। देखिए ये शैम्पू दे दिया, उसको पोछा नहीं, वैसा ही है, अब ये विनाइल चिटका दिया, अब देखिए बहुत जगह देखिए हवा पकड़ा हुआ है, देखिए बहुत जगह देखिए हवा पकड़ा, अब देखिए इससे हम लोग कैसे टान टान के, देखिए अच्छे तरीके से वीडियो को यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा लर्निंग है, आप खुद घर में कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसा शैम्पू दे के आप विनाइल को चिटका के देखिए एकदम फ्रेश, कोई भी कहीं पर हवा नहीं कुछ नहीं, एकदम नीट एंड क्लीन एंड क्लियर एकदम। अभी थोड़ा ऊपर से हम लोग जो जहां जहां शैम्पू लगा उसको थोड़ा साफ कर दे रहे, ये देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, कहीं पे भी कुछ हवा नहीं है कुछ नहीं। अब जो साइड से थोड़ा विनाइल एक्स्ट्रा हुआ है उसको हम लोग काट के निकाल देंगे तो वो एकदम फिनिशिंग ओके रहेगा। फिर कुछ देर बाद हम लोग इसको जहाँ से हम लोग वो स्टैंड पे उठा देंगे, जहाँ पे ये रहता है वहाँ पे हम लोग रख देंगे इसको। अब day 3 हम लोग इसमें पानी डालेंगे, जैसा हम लोग बोलते हैं कि पानी डालने का 2 दिन बाद 3 दिन बाद कम से कम फिश छोड़ना चाहिए, पानी देके फिल्ट्रेशन देके दवाई देके सब रेडी कर दिया है, अब इंतज़ार 3 दिन के बाद 5 दिन 2 दिन का रेस्ट और उसके बाद ये देखिए कुछ कुछ फिशेस यहाँ पे हम लोगों ने छोड़ दिया है। और यहाँ पे दोस्तों मैं बताया था कि फिल्ट्रेशन का एक नया फंडा है, वो देखिए हम लोगों ने कुछ चेंज किया है फिल्ट्रेशन में, स्पॉन्ज फिल्टर है, ये देखिए टॉप को हम लोगों ने इस तरीके से किया है, ये टॉप है और ये टॉप का पाइप गया, टॉप का पाइप एक्वेरियम के नीचे गया है, ये दिखाता हूँ, ये देखिए ये देखिए ये जो पावर हेड है यहाँ से जो फ्लो निकलता है उसको हम लोगों ने ऐसा पाइप करके ये यहाँ पर दिया है, यहाँ जिस तरीके से पानी टैंक में आएगा तो उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। और ये कुछ मछली हम लोग छोड़ दिए थे वहाँ पे, कुछ फिशेस, बड़ा अरवाना जो 3 है वो हम लोगों ने नहीं छोड़ा था, अब उसको हम लोग मेन टैंक में ऐड करेंगे, ये दूसरा टैंक पे जहाँ पे टेम्पोररी रखा हुआ था वहाँ से अभी एक एक करके पकड़ेंगे, ठीक वही तरीके से मेरे लास्ट 2 वीडियो पहले जो वीडियो आया था उसमें था कि कैसे अरवाना को पकड़ के शिफ्ट कर रहे, ठीक वो उसी तरीके से बड़ा जंबो पैकेट में अरवाना को घुसाएंगे और ये देखिए एक एक करके सबको हम लोग शिफ्ट करेंगे, ये जाके टैंक में डाल दिया, ये पहला सिल्वर आ गया जो 16-17 इंच के आसपास है, ये पहला, अभी एक एक करके 3 है अभी और 2 आना बाकी है। अब ये बड़ा वाला एल्बिनो सिल्वर हम लोग पकड़ेंगे, देखिए ये देखिए कितना खूबसूरत तरीके से एकदम हाथ मुंह के सामने ले जाके आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए नहीं तो ये जंप कर सकता है, हाँ इसका स्केल ख़राब कर सकता है, टेल टूट सकता है, तो एकदम आराम से
ये आ गया दूसरा एरोन, एक रूम से हम लोग दूसरा रूम वहाँ पे दूसरा जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये दो एरोन आ गया, दो एल्बिनो सिल्वर, अब रहा गोल्डन। ये गोल्डन एरोना को भी हम लोग पकड़ेंगे, देखिए किस तरीके से सेम तरीका आराम से घुस गया पैकेट में। इसमें कोई चांस नहीं रहता कि जंप मारने का या कुछ प्रॉब्लम का। अब ये तीनों एरोना आ गया, टैंक पूरा ओके हो गया। अब दिखाता हूँ टैंक का व्यू दोस्तों, ये देखिए पूरा टैंक में एरोना है, ऑस्कर है, जाइन गोरामी है, मार्वल वियेजा है, पिकॉक वास है, ये सब वैरायटी, शिवरम भी है, सब वैरायटी हम लोगों ने बाद में भी कुछ ऐड किया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पीछे जब विनाइल देने के कारण से देखिए थोड़ा जो एलईडी का रिफ्लेक्शन वो भी बढ़िया लग रहा है और एक बढ़िया लुक्स आ रहा है। दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि नया स्टॉक आने वाला है, तो इस चैनल पे जरूर ध्यान रखिए क्योंकि कुछ दिन के अंदर नया स्टॉक आएगा तो उसका पूरा अपडेट जाएगा। और जो शॉप का अपडेट बहुत सारे दोस्तों ने मांगा है कि दादा एक बार पूरा शॉप का फिर से अपडेट दे दिए तो हम लोगों को पता चलेगा क्या क्या है तो हम लोग मंगवा पाएंगे, तो उसका भी अपडेट आएगा। और एक नया सेटअप हम लोगों ने किया है तो उसके ऊपर ही एक वीडियो है। सो इस चैनल के साथ लगे रहिए दोस्तों, इस चैनल को ऐसे ही आप लोग प्यार दीजिए, आगे बढ़ाइए। और सही में अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सबाई भालो थाकबेन, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कम्युनिकेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun?